असि सारे जानते हैं कि साड़ी विरासत तो मिली जायदाद साडे लई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उदों की जे तुहानू पता लगता है कि तुहानू विरासती जायदाद ते भी टैक्स देना पवेगा। इस साल टैक्स रिटर्न भरन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 रखी गई है। आओ जानते हैं कि तुहानू विरासती जायदाद ते भी टैक्स देना पवेगा या फिर नहीं, कि विरासती टैक्स लागू है। दस दें कि मृतक द्वारा उसके कानूनी वारसा छड़ी गई किसी भी जायदाद से विरासती टैक्स लगाया जाता है। भारत में विरासत में मिली जायदाद से कोई टैक्स देने योग नहीं है। भारत सरकार ने 1985 इस किस्म के टैक्स को खत्म किया। इस तो पहला देश में वैल्थ टैक्स एक्ट 1953 के तहत मृतक व्यक्ति को जायदाद की कीमत के 85% का ही उच्च संपत्ति टैक्स अदा करना पड़ता है। वसीयत राही प्राप्त की जायदाद को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आमदन नहीं माना जाता है। जेकर तुसी कोई जायदाद एक्वायर करते हो तो उसनु तुहाडी आमदन वजो जोड़िया जाएगा, इस ते तुहानू टैक्स देना पवेगा। मान लो जे तुसी किराए का मकान प्राप्त करते हो तो तुसी कानूनी वारस वजो उस जायदाद के मालिक बन जाओगे। अजिहे स्थिति विच इह हुण तुहाडी आमदन दे विच शामिल हो जाएगा ते तुहानू जिहड़ा उहदा टैक्स दर ते टैक्स अदा करना होगा। जे तुहानू अपनी जायदाद ते बैंक तो कोई ब्याज मिलता है तो तुहानू उससे टैक्स देना पवेगा। तुसी विरासत विच मिली जायदाद नू प्राप्त हुंदे ही वेच सकते हो। दस दिए कि विरसे विच मिली जायदाद के मामले दे विच ही उस तारीख तो शुरू हुंदी है जदों असल मालिक ने जायदाद खरीदी थी। जेकर कोई जायदाद 2 सालों तो वध समय तक रखने तो बाद बेची जाती है तो विक्री की कमाई नू पूंजी लाभ वजो मनिया जाता है। जेकर जायदाद 2 सालों तो घट समय लई रखी जाती है तो विक्री की कमाई को छोटी म्याद के पूंजी लाभ वजो मनिया जाता है। इस अनुसार टैक्स अदा किया जाता है। और अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखते रहो लुधियाना लाइव।